हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा नाम की एक वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको Amazon प्राइम वीडियो पे नहीं बल्कि मिनी टीवी पे देखने के लिए मिल जाएगी। जिसका मतलब ये है कि आपको फ्री में देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप लोग खुशी के मारे पागल ना हो जाओ, उसके लिए मैंने ये रिव्यू बनाया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि सीरीज कितनी अच्छी है, कितनी बेकार है, क्या इसका सीजन 2 आएगा, इसके अंदर की कहानी क्या रहने वाली है और क्या ये फ्री में अवेलेबल है तो क्या इसे टाइम देना चाहिए या नहीं। तो बात कर लेते हैं इसकी बेसिक स्टोरी के बारे में। अब देखो, इसकी जो कहानी है ना, बिना स्पॉइल करे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इसमें मुंबई की कहानी देखने के लिए मिलती है, जहां पे हमारे एसीपी विक्रम जो कि मुंबई में हो रहे क्राइम वगैरह को रोकने के लिए जो है अपने अलग तरीके से काम करते हैं। अब कहानी का ट्विस्ट यहां पे ये है कि उन्हें जो है लेडी को ढूंढने के लिए काम मिलता है, जो कि वो दो नंबर का भी काम करते हैं साइड से, मतलब लीगल तरीके से वो पुलिस वाले, और इलीगल तरीके से वो जो है खोए हुए लोगों को ढूंढते हैं पैसों के लिए। अब वो जो पैसों के लिए जिस लेडीज को ढूंढते हैं, वहीं से हमारी कहानी का पूरा ट्विस्ट या खेल चालू होता है कि जब वो उस लेडी को ढूंढने के लिए जो अपना जो भी काम वगैरह करते हैं, जिसके बाद वो खुद उस चीज में उलझ जाते हैं और अब जो है पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ जाती है। इसी दौरान जो है एक मर्डर हो जाता है जिसमें एसीपी विक्रम जो है इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ना होते हुए भी हो जाते हैं, मतलब उन्हें फंसाया जाता है। तो किस तरीके से हमारे जो एसीपी विक्रम है वो यहाँ पे जो है इन क्राइम का जो है पर्दाफाश करेंगे और अपने आप को जो मेरे कहने का मतलब बेकसूर साबित करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को चेकआउट करना पड़ेगा। अब देखो, बेसिक स्टोरी मैंने आपको बता दी है। बात करें अभी इसके जो है ओवरऑल प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो देखो अगर इसकी अच्छी बातों की बात की जाए तो देखो मुझे इसका जो सस्पेंस था एक तो वो पसंद आया, और दूसरा जो इसकी जो परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि सुनील शेट्टी का एज अ विक्रम, और इसमें और भी कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं ईशा देवल को हटा के साले, जिनकी परफॉर्मेंस आपको ओके और डिसेंट देखने के लिए मिल जाती है। तो देखो परफॉर्मेंस वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज जो इसका आप कह सकते हो स्टोरी जो देखने के लिए मिलती है, जो सस्पेंस था वो मुझे लिटरली पसंद आया। अब देखो सीरीज आप में से काफी सारे लोगों को पसंद आ सकती है, लेकिन मेरे को ये इतनी ज्यादा खास पसंद नहीं आई, क्योंकि देखो इसके अंदर का जो एक्शन देखने के लिए मिलता है वो लिटरली आपको इतना ज्यादा बेकार देखने के लिए मिलता है। बेकार का मतलब देखो यहाँ पे फ्री वाला कंटेंट है, जिस वजह से इसके आप कह सकते हो कि प्रोड्यूसर जो होंगे उन्होंने बजट वगैरह इसका कम ही रखा होगा, जो कि आपको स्क्रीन पे साफ महसूस होता भी है। जैसे कि इसके अंदर का जो VFX वगैरह देखने के लिए मिलते हैं वो बहुत ही चीप क्वालिटी के देखने के लिए मिलते हैं, और जिसके चेजिंग सीन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा चीप क्वालिटी के देखने के लिए मिल जाते हैं। जो इसका एक्शन सीन है वो स्लो मोशन वाला, वो लिटरली आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि नॉर्मल, जैसे मैंने ये वीडियो बना रखी है और उसको जो है बाद में जो है स्लो किया गया हो, मतलब स्लो मोशन वाले कैमरे से शूट ना करके नॉर्मल वीडियो को स्लो मोशन किया, जिस वजह से एक्शन सीन के दौरान जो उसके अंदर जो मोशन होते हैं वो आपको साफ नजर आते हैं। दूसरा, जो कहानी का बिल्डअप देखने के लिए मिलता है, जितने आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं चाहे वो हीरो के माध्यम से हो चाहे वो विलन के माध्यम से, उनका बिल्डअप काफी तगड़ा किया जाता है, मतलब उनके कैरेक्टर की हाइप ऐसे क्रिएट की जाती है जैसे कि भाई साहब इनके अलावा कोई है ही नहीं पूरी मूवी के अंदर। ऐसे जब ये स्क्रीन पर आएंगे तो ये फाड़ देंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, नॉर्मली सारे फुस निकल के जाते हैं। और फुस से ज्यादा है इसके अंदर का म्यूजिक। अब देखो, जो मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, लिटरली वो म्यूजिक ऐसा वाला नहीं है कि इसके अंदर जो है जरूरत थी। दरअसल हर एक्शन सीन के पीछे, हर चेजिंग सीन के पीछे पुराने गाने उठा के बजा दिए गए हैं, और लिटरली हर एक्शन सीन के पीछे। देखो मैंने इतनी सारी इसकी बुराइयां कर दी हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीरीज बेकार है। देखो सीरीज बेकार नहीं है, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी ने इसका जो है पूरा तामझाम बिगाड़ दिया, जिस वजह से अगर ये सीरीज जो है एक एवरेज सीरीज बन पाती तो बन नहीं पाती है इसके फालतू के एफर्ट की वजह से, क्योंकि सीरीज बहुत सारी चीजें दिखाना चाहती है। देखो ज्यादा इसकी बुराई ना करते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा, अगर देखो Amazon मिनी टीवी पर आपको देखने के लिए मिलेगी फ्री में अवेलेबल, तो फ्री के हिसाब से आप इसे चेकआउट कर सकते हो, फ्री के हिसाब से सारी चीजें इसकी बढ़िया है। लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, देखो फ्री के नाम पर कुछ भी मत भरोसा, और आपको यहाँ पे एक अफसोस की बात और बता दूं, मेरे हिसाब से इसका पार्ट 2 भी आएगा और अच्छा खासा क्लिफहैंगर छोड़ा गया है, लेकिन मैं उस पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड नहीं हूं। उम्मीद करता हूं रिव्यू आपको समझ में आ गया होगा। रिव्यू पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक लेना, ताकि बाबू सोना ज्यादा डोना के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते वीडियो को एंड, अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।